आप स्पेशल आज आपको गुस्सा आ गया, पानी चाहिए देते हुए चले आए हो ना। ये मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि स्पेशल स्टेटस अभी तक जब देके देते हुए सरकारें चली आई इनको, अभी तक आप इनको गोद में लेकर के खिलाते रहे, और अब जब बात होगी बराबरी की तो इनको नहीं हजम होगी, वो इनकी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हुआ ही इनके साथ ये है कि सारी स्पेशल छूट दी गई है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आज की परिस्थिति में ये मानेंगे? अच्छा एक बात और दूसरा समझना चाहिए, सबसे पहले तो ये बात कि अभी तक सरकारों ने इनका सबसे बड़ा रिस्पेक्ट किया। अब दूसरी बात, एक बता दीजिए, एक ऐसा कानून आया हो जिस पर ये मुस्लिम प्रवक्ता यहां बैठकर ये बोले हो कि साहब ये वाला बेहतर है। आप सोचिए, जब महिलाओं के प्रति कानून आया कि भाई उनको गुजारा भत्ता देना है, तब भी इसी प्रकार चिल्ला रहे थे। अब बीच में बीच में बोलना नहीं, तब जब मुस्लिम महिलाओं के प्रति कानून आया तब ये यहां अपने कपड़े फाड़ रहे थे, जब तीन तलाक पर कानून आया तब ये अपने कपड़े फाड़ रहे थे, तो आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इनसे? सोच रहे हैं कि ये आज ये बात करेंगे? एक सेकंड, बीच में नहीं, सुन लीजिए। अब दूसरी चीज ध्यान रखिए, अभी प्रवक्ता ये कह रहे थे यहां पर बैठ करके कि नहीं जी, मुस्लिम को साइड किया जा रहा है, मुस्लिम को नजरअंदाज किया जा रहा है, मुस्लिम को परेशान किया जा रहा है, हमें तो चाहिए नमाज। अरे साहब, हमारे तो शिव जी का मंदिर काशी विश्वनाथ के अंदर जहां हम पूजा करते थे, विदाउट किसी कोर्ट के आदेश के बंद कर दिया गया उसको, और बंद हमें नहीं पूजा करने दिया गया। हम तब भी रोड पर आकर के नहीं बोले कि साहब हमारे साथ गलत किया जा रहा है, हम तब भी आकर के नहीं बोले। आपको पता है दीपावली मनाने में, दीपावली में सबसे ज्यादा पटाखे जलाए जाते थे, और कहा गया कि साहब प्रदूषित होगा शहर, लोगों को नुकसान होगा, इसलिए आपको पटाखे नहीं, हमने बंद कर दिया। साहब हमारी तो धार्मिक यात्राओं को बंद कर दिया जाता है, और हम कहीं आगे चिल्लाने नहीं आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई कानून, सुनिए आप अपनी बात जल्दी जल्दी, कोई लारी जी आ रहा हूं, रिलैक्स, कोई कानून अपने टाइम पे आएगा, आप पानी पीजिए पहले, रिलैक्स, भारत के हित में कानून आएगा तो ये लोग आप भी तो बोले, आपका मन था, आपने भी बोला कि ये कपड़े फाड़ते रहे, और सरकार को अपना काम करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। सरकार कर रही है। तारिक अहमद लारी, समाजवादी पार्टी। गुरु जी, आ रहा हूं वापस। तारिक अहमद लारी जी, आई होप आपके पास ऑडियो जा रहा है। रशीदी जी, आ रहा हूं इसके बाद। एग्जैक्टली तारिक अहमद लारी, समाजवादी पार्टी। नहीं, मेरे पास ऑडियो तो आ रहा है लेकिन आपके पास समय नहीं है, तो धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत 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 खुशी की बात है, थैंक यू वेरी मच। रशीदी जी, रशीदी जी, रशीदी जी, ये आप ऐसे ही बोल देते या फिर ऐसे ही चले जाते, मैं थोड़ी ऑन एयर टाइम वेस्ट करता। रशीदी जी, थैंक यू। हाँ देखिए ऐश्वर्या भाई, जहाँ ये लोग काम की बात कर रहे हैं कि दो घंटे काम होगा, दो घंटे काम करेंगे, काम हो कहा रहा है बीजेपी सरकार में, मुझे बताइए कहाँ काम हो रहा है। इनका काम ये है, इनको 2 करोड़ रोजगार देने थे, नहीं गुरु जी को भी लाइए, 15 लाख खाते में आने थे, नहीं आए, बुलेट ट्रेन चलनी थी, नहीं चली, बीजेपी समझे नहीं आप बात। इन्होंने गैस सिलेंडर दिया लेकिन 1100 का है, टमाटर 120 बिक रहा है, धनिया 400 रुपए बिक रहा है, लोग कमिंग गुरु जी 24 रुपये 100 रुपए से कम नहीं है। इनको महंगाई से, बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और सिर्फ मुसलमान फोबिया हो गया इनको, इनको मुसलमान को टारगेट करना है, मुसलमान किसी भी तरह के टारगेट। हेमंत विश्व शर्मा से आप ये पूछिए, आपने कितने लोगों को नौकरियां दे दी आसाम में, इतनी महंगाई कम कर दी आपने, पूछे उनसे, नहीं पूछ पाएंगे आप। और ये जितने लोग बैठे हैं ना उनके हिमायती, ये पूछ नहीं पाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं मोदी जी से बात करने की कि महंगाई क्यों हो रही है। मुझे आप में बहुत हिम्मत लगती है, आप कर लीजिए मोदी जी से बात, आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आप कर लीजिए मोदी जी से बात। नहीं सुनिए, छोड़िए ना बीजेपी वालों को। अरे रशीदी जी सुनिए, रशीदी जी बात सुनिए, रशीदी जी बात, रशीदी जी बात, आपकी मैंने बात मान ली कि बीजेपी के नेताओं में हिम्मत नहीं है, आप तो बहुत हिम्मत वाले हैं, आप बात कर लीजिए, आप बात नहीं, आप सुनिए ना मेरी बात, मैंने आपसे क्या शुरू किया था, आप कहा बीजेपी के नेताओं में हिम्मत, और कौन मोदी जी से बात कर सकता है कौन नहीं, अब छोड़ी कहां जा रहे हैं इन सब बातों में। ये बताइए आपको ब्रेक क्यों चाहिए? गुरु प्रकाश पासवान ने, रतिंदर भाटिया ने, क्रिश्चियन ने तो कभी ब्रेक नहीं मांगी, आप ब्रेक मांगे। अभी मैं दोबारा पूछूंगा तो बोलेंगे ऐश्वर्या छठी बार पूछ रहा है। अरे ऐश्वर्या 600 बार भी पूछेगा, जवाब तो दे दीजिए सैटिस्फैक्टरी प्लीज, वन वर्सेस वन, थैंक यू। जी बोलिए, सुनिए, पासवान जी ने अभी कहा कि साहब हमने सिलेंडर दिए हैं, हमने मकान दिए हैं। अरे मेरे कमिंग गुरु जी, 30 सेकंड्स, आप अलग कर ही नहीं सकते, आप उसको अलग कर ही नहीं, क्या एहसान है आपका, सारी आपने क्या किया, तो आपने मुसलमान को सिर्फ टारगेट करने के अलावा क्या किया है? आप जितने भी बिल लेकर आए हैं 10 साल में मुसलमानों के खिलाफ,
जो भाई भरभर के वोट दे रहा है आपको, उसके लिए आपने क्या किया? ना आपने उनको नौकरियां दी, ना रोजगार दिया उनको, ना महंगाई कम की, ना 15 लाख उनके खाते में आए। अच्छा ओके, तो आप बेसिकली रशीदी जी ब्रेक पे नहीं बोलेंगे, रशीदी जी बीजेपी के मैनिफेस्टो पे बोलेंगे। तो वो कह रहे हैं भाई बीजेपी का मैनिफेस्टो, मैं ब्रेक तब बताऊंगा मुझे क्यों चाहिए, पहले बीजेपी अपने मैनिफेस्टो की बात करे कि आपने कितने वादे पूरे करे, फिर मैं बताऊंगा मुझे ब्रेक क्यों चाहिए। गुरु प्रकाश पासवान बिल्कुल वो कह रहे हैं, मैं गलत नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ नहीं देखिए रशीदी साहब एक सीनियर आदमी है, और आपने कुछ प्रश्न मुझसे पूछा है, आप उस प्रश्न का उत्तर मुझसे ले लीजिए। आपने 15 लाख की बात की, मैं तो दावे के साथ कहता हूं रशीदी साहब आप अखबार पढ़ते होंगे, परसों प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल हो गए थे, इन 10 साल में 15 लाख छोड़ी 38 लाख करोड़ रुपए, 38 लाख करोड़ रुपए 53 करोड़ खातों में गए हैं। 2014 और 2024 का आप मूल्यांकन कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। रशीदी साहब हम क्षमा चाहते हैं लेकिन हमें आपसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, आप हमसे पूछते हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में बोल सकता था लेकिन मेरे संस्कार नहीं है। बीच में नहीं बोल रहा रशीदी जी, कोई बीच में नहीं बोलता, थैंक यू, आपके बीच में भी कोई नहीं बोला। देखो लोकतंत्र है इस देश में, लोकतंत्र और इस देश में बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान है, और इस देश का संविधान सर्वोपरि है, देश में शरिया नहीं चलेगा। बीच में नहीं, अरे बीच में नहीं, अंग्रेजी में फिर ऑडियो भैया इनको प्रॉब्लम है, आप हटा दीजिए क्या मान को, मैं नहीं, आई डोंट डू डिबेट्स लाइक दिस, थैंक यू, आपको डायरेक्टर, आपको इससे दिक्कत है, यू आर नॉट ऑन एयर, अब आप बोलते रहिए, तो फिर आप जो है अब इस संविधान से दिक्कत है आपको, इस संविधान से दिक्कत है आपको, ये संविधान से दिक्कत है आपको। अगर हेमंत बिश्व शर्मा ने कुछ किया है इस संविधान के खिलाफ तो आप मुझे बताइए, अगर बीजेपी ने संविधान के खिलाफ कुछ किया तो आप मुझे बताइए, अगर बीजेपी ने संविधान के खिलाफ कुछ किया तो आप बताइए। इस संविधान के तहत हमने काम किया है, और मैं दोबारा कहना चाहता हूं हमें यहां बैठे किसी की भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम को आप मुसलमान नहीं मानेंगे, सिकंदर बख को मुसलमान नहीं मानेंगे, नजमा अब्दुल्ला को मुसलमान नहीं मांगेंगे, क्यों? क्योंकि वो देश की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान समाज की महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान समाज में जो पसमंदा मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, जो बैकवर्ड मुसलमान है, उनकी चिंता की है। उत्तर प्रदेश में दानिश अंसारी अगर मंत्री बनता है तो आपके पेट में दर्द होता है, उत्तर प्रदेश में एक बैकवर्ड पिछड़ा मुसलमान मंत्री बनता है तो आपके पेट में दर्द होता है, स्वीकार करिए इस बात को। इस देश में बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा, रहना भी चाहिए। बोलिए अब, बोलिए, 30 seconds, everyone on it, thank you very much, thank you Paswan, everyone is equal, thank you Paswan, everyone should be equal, सब बराबर है। ब्रेक क्यों चाहिए, टॉपिक पर रहना, बिल्कुल मैं उसी बात कर रहा हूँ, आप ये बताइए अगर ये स्पेशल आपको नमाज ब्रेक बात, अगर ये बात अगर आसाम में गलत है तो फिर तो पूरे देश में गलत होनी चाहिए, मगर ये जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है और वहाँ पर जहाँ भाजपा की तो देश में भी सरकार है, देश में है ना सर, तो आप पूरे देश में लाइए ना ऐसे कानून, देखते अच्छा, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में फिर हम क्या फैसला लेकर आइएगा सर, फिर हम देखते हैं अभी क्या हुआ, अभी मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था।